नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। देश में जो कोरोना के आपातकाल की जो स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन 4 अब लागू हो चुका है देश में, और हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से हमारा देश जल्द से जल्द कोरोना इस महामारी से जल्द निजात पा सके। और जो स्थितियाँ हैं वो लॉकडाउन 4 को लेकर फिर से इस देश पर लागू कर दी गई हैं। तमाम जो पाबंदियाँ हैं, गाइडलाइंस है, वो सरकार के द्वारा जो है जारी कर दी गई हैं। अब जो स्थितियां हैं, हालांकि आर्थिक परिवेश के स्तर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कई बातें कही और उम्मीद भी की जा रही थी कि कुछ एक छूट जो है यहां पर जरूर मिलेगी, लेकिन जो हालात हैं वो अभी भी इस बद के बदतर दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो अभी भी दिन रात पैदल किलोमीटर 100 किलोमीटर चलते हुए नजर आ रहे हैं रोज की रोज। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि जो चुनौतियां हैं वो कोरोना महामारी की वजह से ही सही, लेकिन अभी देश के सामने बहुत बड़ी स्थिति जो है खड़ी होने जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज जनसत्य न्यूज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कि खासतौर से तीसरी बार लगातार सांसद हैं, साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व अध्यक्ष भी है, रह चुके हैं संसदीय समिति के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। अभिषेक जी, जो हालात हैं कोरोना महामारी को लेकर, सरकार की जो स्थितियां चल रही है, लॉकडाउन 4 में हम प्रवेश कर चुके हैं, 4 में, तो ऐसी स्थितियां जो अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं, गाइडलाइंस जो जारी की जा रही है, क्या लगता है कि सरकार इस पर सक्षम कदम उठा रही है कोरोना से निपटने को लेकर? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक है आर्थिक, दूसरा है जिसको आप कह सकते हैं मेडिकल, और तीसरा है और तौर तरीके सहायता के, सहूलियत के। जहां तक आर्थिक पहलू का सवाल है, मैं समझता हूं ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बार बार आपको घोषणाएं की, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए चूहा भी नहीं निकला शायद। अगर आप सब कुछ बटोर लें तो जो सीधा समर्थन मिला है आपको आर्थिक रूप से, वो मैं नहीं समझता कि 2% को भी लांघता है। बहुत ज्यादा अगर आप जोड़ लें और जोड़ तोड़ करें तो 2% लांघेगा वो, 2 या 3 लाख करोड़। आपने जितनी भी सहायता, लोन के ऊपर इंटरेस्ट स्थगित करना या वेव करना, इन सब को मान लिया और उस सब को जोड़कर 9 लाख कर दिया। ये वो बात हुई कि आप अगर कुएं में पड़े हैं और कुएं से निकलने के लिए मैं कुएं के बाहर आवाज देता हूं कि भाई मैं आपको बहुत सारी सहायता दे रहा हूं आर्थिक, आके ले लो, तो पहला प्रश्न आएगा आपसे कि भाई मुझे कम से कम इस कुएं से निकालो पहले, उसके बाद मैं आर्थिक सहायता की बात करूंगा। नंबर 2, आपने 7,500 रुपया जो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 2 महीने पहले लिखित रूप से नहीं, लेकिन विश्व के नोबेल लॉरिएट्स और अर्थशास्त्रियों ने बोला है बार बार, 1 लाख करोड़ एक तरफ और अगर आप और लोगों को दें तो 2 लाख करोड़ का व्यय था। आप भारत देश को एक सुपर पावर के रूप में देखते हैं और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप 1 या 2 लाख करोड़ का पैकेज दे सके जो सीधे आपकी जेब में जाए। ये वो आर्थिक सपोर्ट है जो जेब में जाने वाली बात है। और तीसरा, आपने बाकी सब मिला लीजिए तो भी आर्थिक सपोर्ट के रूप में कुछ नहीं दिया। जो तीसरा पहलू दिया आपने आर्थिक नीति का, वो दिया आपने दूरगामी प्रोग्राम कि हम स्पेस में ये कर लेंगे, हम ये पब्लिक सेक्टर्स को विनिवेश कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। ये चीजें कोविड से क्या संबंध रखती हैं? तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है कि सीधा फिस्कल सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरा पहलू है जहां तक लॉकडाउन का, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि आज विश्व में, मैं बड़ा ध्यान से मेरे शब्द चुन रहा हूं, सबसे ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ अगर पहले 5 देशों में है तो भारत का नंबर आता है उसमें। अभी हाल तक 6% रेट ऑफ ग्रोथ थी कोविड की, और देशों की जिसको आप बहुत बुरा समझते हैं अभी अमेरिका और इंग्लैंड में 2% है, 1.5% है। तीसरा कि लॉकडाउन के दौरान हम पहुंच गए हैं पिछले 15 दिन से अब 40,000 से 92,000 केसेस, 42,000 से 92,000। अगर आप 2 महीने देखें तो कुछ हजार में से अब हम लाख क्रॉस कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान की बात हो रही है, तो अंतिम मेरा बिंदु है कि ये लॉकडाउन अच्छी बात है, मैंने तो समर्थन किया लॉकडाउन का, लेकिन लॉकडाउन अपने आप में एक पूरा उद्देश्य नहीं हो सकता। लॉकडाउन आपकी प्रॉब्लम को स्थगित करता है, आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को पुरजोर बनाने का एक अवसर देता है।
सही लेकिन बात है। लॉकडाउन के साथ साथ आपको जबरदस्त आर्थिक वापिस उन्नति की बात करनी है, जो बिल्कुल इसमें नहीं दिख रही है मुझे कहीं भी। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बड़ी बड़ी बातें की गई और हम सब तैयार हैं अपने योद्धाओं के लिए तालियां बजाने भी, बर्तन बजाने भी, फ्लावर्स को गिराने के लिए भी, सैल्यूट करने के लिए भी, लेकिन वो आदमी पूछता है आपसे। और देखिए विवेक जी, इस पूरे प्रसंग का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो एक स्थायी चित्र रहेगा सबके दिमाग में, हम अपने घरों में बैठे हैं, एयर कंडीशन चल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, लेकिन उस औरत का जो खींच रही है अपने बच्चे को एक सूटकेस पे, उस व्यक्ति देखिए का जो दो बच्चों को दो अपने एक खड़ाऊ के एक न्याय स्थल वाली चीज के ऊपर ले जा रहा है, वो जो पुश कर रहा है अपने बाप को एक छोटी सी तीन साइकिल, तीन पहिए वाली साइकिल पे, ये ऐसे चित्र हैं जो देश को पूरा नष्ट करते हैं। हम सुपर पावर की बात करते हैं, एटम बम की बात करते हैं, ये सब बातें हैं। जब तक हम इनके लिए, जहां विदेशों के लिए हमने हवाई जहाजें चलाई, हमको इनके लिए हमने 60 दिन बाद ट्रेन को शुरू किया, और उसके बाद क्योंकि आपने 7,500 रुपये नहीं दिए इनको जेब में, तो ये लोग भागे और जहां गए हैं वहां कोविड का भय बढ़ गया है। अगर आपने इनको ठीक तरह से समर्थन किया होता प्रदेशों को, तो यहां रहते और जाते भी नहीं है। जिस तरह से मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ अभिषेक जी, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो लॉकडाउन फोर के लिए, अब जैसे हम चौथे चरण में हैं लॉकडाउन के, 2 महीने ऑलमोस्ट होने को आ चुके हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार की जो तैयारियां होनी चाहिए थी, चाहे वो आर्थिक स्थितियों की बात करें, चाहे वो मेडिकल जो ट्रीटमेंट पॉलिसीज है, हमारा जो सेगमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात हो, आपका क्या मतलब मानना है कि क्या हम इस स्थिति पर, हमारा देश अभी भी तैयार नहीं हो पाया है, लॉकडाउन का हम फायदा नहीं उठा देखिए, पाए? आर्थिक का मैंने पूरा विस्तृत रूप से चित्रण कर दिया है, मैं वापस नहीं बोलूंगा उसको, वो बहुत विस्तार से मैंने बोला है। लेकिन लॉकडाउन के बारे में आपको चीज बोलना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन शब्द क्या है? ये गलतफहमी है आप में और हम में और देश भर में कि लॉकडाउन एक बटन है जिसको आप 40वें दिन, 60वें दिन और 80 दिन के बाद दबाएंगे और सब खुल जाएगा। लॉकडाउन तो एक प्रक्रिया है। लॉकडाउन का मतलब है कि आज आप 100% एक इलाके को बंद करते हैं, कल आप उसी इलाके को खोलते हैं लेकिन उसकी कई बिल्डिंग्स को बंद करते हैं 100% के एक बिंदु को बंद करते हैं। तो लॉकडाउन तो हमारे साथ चलेगा पिछले अगले 1 साल तक। लॉकडाउन को अपने आप में अंत कैसे समझने लगे हम? आज हमें यह आवश्यकता है कि हम उन सूक्ष्म क्षेत्रों को देखें जहां हमको बंदीकरण करना है, उनको कंटेनमेंट कहिए या उनको लॉकडाउन कहिए, और उसके आसपास नियंत्रित रूप से कैसे आपको आर्थिक काम शुरू करना है, इस पर ध्यान दिया जाए। जब भी आता है तिथि तो हम डर और भय के आधार पे उसको बढ़ा देते हैं, और ये कहना कि हमने कुछ आंशिक रूप से शुरू किया है, ये बिल्कुल पूरा नहीं है। जब तक आप ट्रांसपोर्ट स्थानांतरण करने के तौर तरीके नहीं बढ़ाएंगे, क्या फायदा? आज कहीं भी देख लीजिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए लोगों को आना जरूरी है। आप तो डंडे मारते हैं उन लोगों को जो आने का प्रयत्न करते हैं, जी दुर्भाग्य है ये। इसलिए मैं समझता हूँ लॉकडाउन की पूरी परिभाषा बदलनी पड़ेगी और आपको ये भय हटाना पड़ेगा। सर, ये जो आपने तो आर्थिक अपनी स्थितियों के हिसाब से जो है अपनी एक बात रखी है, लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब देश में आर्थिक स्थितियों से मजबूती लेने के लिए, निपटने के लिए, उन चुनौतियों से निपटने के लिए रिस्क लेने की जरूरत है, तो वो रिस्क किस सेगमेंट पे बात करना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, रिस्क जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वो बहुत सोच समझ के नियंत्रित रूप से किया है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपको ढकेल दें बीमारी में। आज मैं तो दिन हर दिन पढ़ता हूं, आज आर्टिकल आया है कि आपका सबसे प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि मृत्यु ना हो। जी नंबर 2 उद्देश्य होना चाहिए कि मृत्यु सबसे ज्यादा कहाँ हो सकती है? हमारे कमजोर वर्गों में, हमारे वृद्धों में और हमारे अल्प आयु वालों में। जी तीसरा, हमको उसके लिए मृत्यु को बचाने के लिए बहुत पुरजोर स्पॉट्स, अस्पताल, क्लिनिक्स बनानी पड़ेंगी, तैयार करनी जी पड़ेगी, बनाने का समय नहीं है, तैयार करनी पड़ेगी। चौथा, हमको उसके बाद अलग अलग आंशिक रूप से, नियंत्रित रूप से लोगों को बाहर आने देना पड़ेगा। जी वो लोग शायद उनमें से कुछ बीमार भी पड़े, शायद, इसका मतलब नहीं कि उनकी मृत्यु होगी, वो आएंगे इस आयु के क्षेत्र में जहां पर सबसे कम मृत्यु होने की आकांक्षा हो या अवसर हो मृत्यु का। उसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि जो लोग उनमें से बीमार पड़ेंगे
मृत्यु नहीं होगी, वो बाहर निकल के आएंगे, लेकिन उनको एक समर्थन मिले अस्पताल में जी। और जो मृत्यु से ज्यादा संदेह के वर्ग हैं उनको आपको नियंत्रित बंद रखना पड़ेगा। ये हमारी पॉलिसी है ही नहीं, हम तो पूरे क्षेत्र को रेड बना दिया। उस रेड क्षेत्र की परिभाषा आपको मालूम है कि एक भी अगर केस हुआ हो और वो बेशक दो बिल्डिंग में रहा हो, आपने सब उसकी वहां आर्थिक एक्टिविटी बंद कर दी, और ये आर्थिक एक्टिविटी सबसे कम न्यूनतम रूप से आपको और हमको प्रदूषित करती है या दुष्प्रभाव करती है। सबसे ज्यादा उनको करती है, रेड़े वाले को, आम आदमी को, बेचने वाले को जो डेली वेजर है उसको। हम तो फिर भी किसी काम चला लेते हैं, लेकिन सर बात सबसे बड़ी वही सवाल निकल के आता है कि क्या हमारे देश की जो सरकार है वो इस तरह से मैनेज करने की जो दावे कर रही है कि जो स्थितियां हैं वो हम वापस धरने पे लेकर आएंगे। मेडिकल जो ट्रीटमेंट सेगमेंट है, हम कई लाखों जो है किट, पीपी किट यहाँ पर जो है डेवलप करने की बात कर रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लोकल वोकल की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो धरातल पर चीजें होती हुई अभी, चूंकि अभी जरूरत है, अभी जो देश पे लगातार रोज की रोज जो 40,000 करोड़ का रोज का जो नुकसान हो रहा है उससे निपटना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, और हमारे देश की जनता को कम से कम इस COVID-19 के साथ रहना, उसके लिए आदत डालना, ये भी उसको भी जीवन शैली में डालना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह से देखते हैं देश की सरकार के इन प्रयासों को? आप सही कह रहे हैं, निश्चित रूप से आप सैद्धांतिक रूप से सही कह रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसके ऊपर बहुत एक्सपर्ट्स द्वारा लेख आ रहे हैं। देखिए, हुआ जरूर है काम, लेकिन मेरे को दुर्भाग्य ये लगता है कि काम हुआ है एक अंश और उसकी बात और आपाधापी और हल्ला बोल 10 यूनिट होता है। ये एक से 10 का जो रेशियो है इसको बदलना आवश्यक है। आप ठोस काम बहुत कम करते हो, और नंबर दो जो अभाव है, एक तो ठोस काम की और बोलने की ज्यादा, दूसरा जो बहुत बड़ा अभाव है कि हमने ये जो आपने बात की इसके ऊपर सोच नहीं है। ये सब चीजें सोच से होता है। हमारा सोच क्या है? हमारा सोच है ब्यूरोक्रेटिक। अलग अलग मंत्रियों और मंत्रालयों में ब्यूरोक्रेट्स बैठ के लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, भाई पिछले हफ्ते के आंकड़े इस इलाके से आए इतने, इसको ग्रीन बना दिया, इससे आंकड़े आए इतने, इसको ऑरेंज बना दिया, इससे आंकड़े आए इसको लाल बना दिया। ये कोई हल नहीं है और ये पुरानी बात हो गई। आज वो सोच कहाँ है? एक नवीनतम सोच, एक कुछ हद तक एक्सपेरिमेंटल सोच, ये ब्यूरोक्रेटिक सोच है। और वो सोच जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ये है कि अंततोगत्वा, जिसकी रिस्क की मैंने बताया रिस्क का मतलब क्या है, और अंततोगत्वा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जाएंगे, तो इसी प्रकार से जाएंगे। कई ऐसे वर्ग हैं जो बीमार जरूर होंगे लेकिन वो निकल आएंगे, मृत्यु का सवाल नहीं उठता, दूरगामी नहीं होगा। इसका ये स्थापित हो गया है कि कोविड की जो मृत्यु रेट है वो 1% से कम है जी। अगर आप उस 1% में भी वर्ग है जो सबसे संदेह संदिग्ध सबसे खतरनाक वर्ग है उसको कंट्रोल करेंगे, तो आप पूरी आर्थिक व्यवस्था को वापस एक किक स्टार्ट कर सकते हैं। झटका देके करने जरूरत है। और हमसे कोई वैक्सीन नहीं आती है तब तक हम इसके लिए रहने के साथ इसके साथ रहकर जो चुनौतियों से निपट सकते हैं। वैक्सीन को आप भूल जाइए, वैक्सीन आपकी आएगी तो कम से कम अभी 1 वर्ष दूर है, तो 1 वर्ष तक क्या आप इस इकोनॉमी को, इकोनॉमी के कारण मार देंगे लोगों को? कोविड तो कब मारेगा पता नहीं, लेकिन उसके कारण मार देंगे सब लोगों को, जाए तो क्या फायदा? इसलिए ये आवश्यक है कि आप इतना दूरगामी सिर्फ इंतजार करना, लॉकडाउन शब्द इस्तेमाल करके टीवी के सामने बैठ के अगले घोषणा का इंतजार करना, ये नीति अब अगर पिछले 1 महीने तक चलती भी तो अब ये पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए। जो स्थितियां हैं 20 लाख करोड़ का बहुत बड़ा राहत पैकेज जो है जिसपे दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रवासी मजदूर तो सर अभी भी सड़क पर हैं और उसके बाद उनको क्वारंटीन किया जाना, फिर उसके बाद एक उनको जो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बहुत बड़े लेवल पर जाकर अपना ये दावे किए हैं कि आप प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य में ही जो है स्थितियों को जो है रोजगार के तहत शुरू किया जाएगा, कई सारी जो है समितियां वहां पर जो है गठित कर दी गई हैं, तो क्या मान के चलना चाहिए कि वाकई में ये जो जितने दावे किए जा रहे हैं उनके ऊपर कोई रिसर्च कॉम्पैक्ट है या नहीं है? क्या वाकई में जो मजदूर इस उम्मीद में लोग पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर वापस जा रहे हैं, क्या वहां पर उनके लिए जो है रोजगार के अवसर रह पाएंगे? क्या उनके लिए दो वक्त की पेट के जो है पालना, ये दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना, ये आसान बात लग रहा है अभी आपको? देखिए, मैंने इसके बारे में कह दिया और ये दोहराने वाली बात होगी, लेकिन मैं संक्षिप्त वापस दोहरा दूं। एक,
इस पूरे कोविड में सबसे ज्यादा भर्त्सना योग्य, एक दयनीय दृष्टि और एक ऐसा दृश्य जो मैं समझता हूँ अमिट है इस देश की, और उस इस देश के लिए सबसे बड़ा अपमानजनक चीज है, वो है दृश्य हमारे प्रवासी श्रमिकों का। वो कभी जाएगा नहीं, कितना भी आप दावा कर लें कल देश में, बड़े बड़े G20 और G12 की बातें कर लें, सुपर पावर एटम बॉम्ब की बात कर लें, भारत ने उनको फेल कर दिया है पूरी तरह से, उस वर्ग को। नंबर दो, उस वर्ग की ज्यादा से ज्यादा समर्थन की 1,00,000 करोड़ की मांग होती है। आप 1,00,000 करोड़ देने में असमर्थ रहे हैं, ये सबसे बड़ी भर्त्सना योग्य चीज है। नंबर तीन, आपका ये 20,00,000 करोड़ का जो कागजों का या ताश का पत्तों का एक कार्ड का एक महल बनाया है आपने, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ढोंग है, फ्रॉड है इस देश के ऊपर। अधिकतम से अधिकतम, और मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, कम करके नहीं, ये 2,00,000-2,50,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है जी। ये बहुत मान लीजिए तो 2% मान लीजिए, 4,00,000 करोड़। मतलब जितना बताया गया उसके 2%, आपको बताया गया 10%, ये 2% भी नहीं है मेरे हिसाब से, 1 से 2 के बीच में है, 2% मान लीजिए। नंबर तीन, आपने जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, एक मौद्रिक नीति को फिस्कल सपोर्ट मान लिया, फिस्कल समर्थन मान लिया। ये पहले साल का अर्थशास्त्र का विद्यार्थी आपको बताएगा कि मैं कितने आपको लोन देता हूं, कितना समर्थन देता हूं, कितना समय देता हूं वापस देने के लिए लोन, कितना मैं उसमें इंटरेस्ट की कटौती करता हूं। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन इनका कोई सीधा संबंध नहीं है जिसको जेब में रुपये की बात करती है। नंबर पांच, ये आज नहीं 1940 में केन्स जैसे अर्थशास्त्री ने लिखा था कि जब तक आप ऐसे समय पे, आपको पता है 1940 का जो 39 का जो हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, जब तक आपके जेब में पैसा नहीं है, उस जेब के पैसे में टोटल 2,00,000 करोड़ आया है, और वो भी कल 40,000 करोड़ मिला के वो अपने मनरेगा के बारे में, तो ये सब तो एक प्रकार से। और पांचवा बिंदु, ढोंग है, दावे हैं, शब्द हैं, जुमले हैं, ठोस काम की बात करिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर। यानी कि जो बातें हैं देश की वित्त मंत्री लगातार 5 दिन आकर सामने बैठ के कह के गई हैं, जो डिफरेंस उन्होंने एक एजेंडा बेसिस बताया है, चाहे वो किसानों की बात की जाए, चाहे प्रवासी मजदूर मध्यम वर्गीय और जो सूक्ष्म जो लघु उद्योग हैं उनको जो रिवाइव करने की जो उम्मीद दी है, वो सिर्फ आंकड़ा आंकड़ा आंकड़े तक ही रहने वाला है आपके हिसाब से? अब तो आंकड़ों का विश्लेषण हो गया आपके सामने, आंकड़े कहाँ हैं? वो 20,00,000 का टोटल है, उनके खुद के सरकार के औपचारिक चित्रण में उसमें से 10,00,000 यानी 50% मौद्रिक सहायता है। मैंने आपको उदाहरण दिया, आप रोड पे मरे पड़े हो, आपको उठा के खड़ा बाद में मैं करूंगा, पहले कहूंगा भाई ये आपको लोन देने को तैयार हो, वो कहता है कि भाई मुझे पहले वो चाहिए पौष्टिक आहार जिससे मैं खड़ा हो सकूं। 10,00,000 करोड़ तो खुद मान रही है सरकार के मौद्रिक सहायता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के आंकड़े खुद औपचारिक रूप से कह रहे हैं। बाकी बचा 10,00,000, उसमें 5 से 6,00,000 ऐसी नीतियां हैं जो दूरगामी या मध्यम समय में आपको सहायता देंगी नीतिगत बदलाव से, जैसे उसमें है सहायता एमएसएमई को, जैसे उसमें है सहायता स्पेस का कोई प्रोग्राम बदल के, जैसा उसमें है सहायता कोई और प्रकार की चीज बदल के, कोई नीति बदल के, हमारे रक्षा मंत्रालय की नीतियां बदल के, तो बचा आपके पास 3,00,000 करोड़, सबसे ज्यादा 3 से 3.25 लाख करोड़। इसलिए उसको आप गिन लीजिए, मैं तो उसको विवाद करता हूं, मैं तो समझता हूं कि वो 2-2.5 लाख करोड़ भी नहीं होगा, लेकिन 3,00,000 मान लीजिए, 2.5 लाख मान लीजिए। ये है सपोर्ट इंजेक्शन, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको पहले दिया जाता है सिरप, फिर दी जाती है टैबलेट, जब आपको ज्यादा चोट होती है, ज्यादा तकलीफ होती है, तो सीधा इंजेक्शन लगाया जाता है पांव में या हाथ के ऊपर, यहां पर वो इंजेक्शन कितना है 2.5-3 लाख करोड़। अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, आप इसको 4,00,000 करोड़ मान लीजिए तो 20,00,000 का आंकड़ा हो गया 4,00,000 करोड़, उसको मिला लीजिए मनरेगा का जो सपोर्ट है, उसको मान लीजिए जो शुरू में मिला था 1,00,000 करोड़, उसको मान लीजिए जो भी सहायता मिली अलग अलग पॉकेट्स में, टोटल ये है, समूची बात ये है जी।
अगर ये जुमलेबाजी नहीं तो चले, ये तो सर आर्थिक स्थितियों की बात होती है, अब सर कुछ बयानबाजियों की बात कर ली जाती है। जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा देश के प्रधानमंत्री के जो राहत फंड में जो पैसा पहुंच रहा है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या पैसा आ रहा है, इसके ऊपर उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। राहत फंड के ऊपर सर राजनीति नहीं, मैं तो देखिए इसमें तो बड़ा सरल है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। पहली प्रश्न है कि ये राहत फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी। आज 50 वर्ष इस देश में पीएम फंड है। पीएम कोई भी हो, आप हो, कोई और हो, मोदी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, पीएम तो पीएम है देश के। पीएम फंड में नाम नहीं होता, सो कहते ही पीएम फंड इसलिए कि पीएम बदलते रहते हैं गणतंत्र लोकतंत्र में। तो बनाने की आवश्यकता क्या है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें जो आप पैसे देंगे उसमें आपको एबीसी एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। इस राहत फंड में आप देंगे तो आपको एबीसी समर्थन मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सौतेला व्यवहार हुआ कि नहीं? दोनों देश के पुत्र हैं, एक पुत्र को देने से आपको सक्षम रूप से समर्थन मिलता है, दूसरा पुत्र आपका सौतेला पुत्र है जो 60 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, ये तो अभी नवजात शिशु है ये राहत फंड, उसको आप समर्थन जैसे सीएसआर में काउंट करना या कोई एग्जेम्पशन देना या एटीजी का एग्जेम्पशन देना इत्यादि इत्यादि। नंबर तीन, आप इसमें कौन है ट्रस्टी, कौन नियंत्रण करते हैं इसका? पहले वाले फंड का जो 60 वर्ष की आयु का है, 50 वर्ष की आयु का है, वो तो सरकारी है, नियंत्रित है। इसका नंबर चार, कौन ऑडिट करता है? सीएजी ऑडिट नहीं करता है, उस वाले को सीएजी ऑडिट करता है। तो ये तो साफ जाहिर है, इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता एक है, आई मी माई सेल्फ, एक व्यक्ति की एक वर्चस्व, जिस कारण से सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है वही वर्चस्व को आप जोड़ सकते हैं सीधा इस फंड से। ये सर एक और एंगल है जो मेरे दिमाग में आता है। आप एक तरफ तो पीएम रिलीफ फंड के नाम पर जो है देशी जनता से आप मदद की उम्मीद करते हैं, एक साथ आह्वान करते हैं, आवाज में साथ में जनता खड़ी हो, और उसके बाद ये दावे करते हैं कि जो आप राहत पैकेज का जो फंड रिलीज कर रहे हैं वो जो देश में पांचवें नंबर का बड़ा राहत पैकेज फंड आप जो अपील करते हैं। तो एक तरफ तो हम बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं जहां आप राहत जो रिलीफ फंड की जो पैकेज की बात करते हैं 20 लाख करोड़ रुपए का, और एक तरफ आप देश की जनता से अपील करते हैं कि भाई आप पीएम रिलीफ फंड में जो है पैसा जो है डोनेट कीजिए, ये पॉलिसी क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो 10-20 लाख का फंड, सॉरी 20 लाख का समर्थन मैं 4 लाख पे ले आया हूँ या 3.5 लाख पे, तो आप देश के पांच विश्व के सर, लेकिन देखिए सरकारी आंकड़े है ना सर, सरकारी दावे तो है, हम तो 20 लाख करोड़ के उसी के लिए मैं कह रहा हूँ ना सर, पांचवा सबसे बड़ा राहत पैकेज सर ये देश का बना है। नहीं है, क्योंकि सरकारी दावे में ही सबसे ऊपर लिखा है मौद्रिक सहायता। मौद्रिक सहायता होती है जो आरबीआई के मेजर्स हैं, लिक्विडिटी बढ़ाना, बैंक्स को कहना कि आप लोन दो, ये तो किसी परिभाषा में फिस्कल स्टेबिलिटी दे, वो कह रहे हैं कि जो हमने पूरी नीतियां बनाई। अब जैसे हम माइनिंग करेंगे कमर्शियल अलाउ, ये 2 साल पुरानी नीति है, इसको आप कार्यान्वयन अभी कोविड में कर रहे हैं, इसको आप कोविड के झोले में कैसे डाल सकते हैं? आपको उदाहरण दे रहा हूं, कमर्शियल माइनिंग और ऑक्शन द्वारा होनी, ये 2 साल पुरानी नीति है जी। विनिवेश करना पब्लिक सेक्टर्स को, ये कई साल पुरानी नीति है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको आप कार्यान्वयन करेंगे अगर कोविड में, तो आप कोविड के अंदर डाल देंगे उसको झोले में जी। तो कोविड एक बहती गंगा हो गई जिसमें जो भी आप काम करेंगे कोविड की तरफ जाएगा। वो आज जरूरत है आपको ऑक्सीजन देने की, आज जरूरत है आपको ऐसे जबरदस्त इंजेक्शन की जिससे कि आप एक प्रकार से इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा उठ जाएं। तो फर्स्ट एड की तो बनती है सर, चाहे वो आर्थिक स्थितियों को लेकर हो, चाहे वो आम जो गरीब बेरोजगार के लिए, रोजगार के जो क्रियान्वयन के लिए हो। क्या क्या चीज? कम से कम फर्स्ट एड की तो स्थिति बनती हुई दिखाई देती है सर। नहीं, फर्स्ट एड तो देखिए ना, हाँ, आप अगर आप इसको कहना चाहते हैं कि आपने फर्स्ट एड दिया है 3 लाख का, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। आपने आखिर मनरेगा में बढ़ाया है जो बहुत पहले करना, जिसी वही मनरेगा, एक ही ऐसी प्रोग्राम बता जिसका नाम नहीं बदला आपने, जिसका ये नहीं कहा कि ये हमने मोदी सरकार ने शुरू किया था जी। जिसको शुरुआत में सौतेला व्यवहार मिला मोदी 1.0 में, आज वही आपका एक पूरा सबसे बड़ा स्थायी प्रोग्राम हो रहा है जिसके आधार पे आप खड़े हैं, तो अच्छी बात है।
लेकिन आप 3 लाख को 3 लाख कहिए ना, 3 लाख को 20 लाख तो नहीं कह सकता मैं। और दूसरा ये सहायता जो फंड है, इसके मैंने आपको 4 बड़े सीधे कारण दिए हैं। एक प्रकार से आपने जो सहायता मिल सकती है उसको कम किया है, क्योंकि लोग अब डाउट में हैं, इसमें दें उसमें दें कैसे दें क्यों दें। और जिसके ऊपर कोई CAG का ऑडिट नहीं है, ये पूरे रूप से सरकारी नहीं माना जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है सर, चलते चलते एक आखिरी बात मैं कर लेता हूँ। सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कहा कि आपके प्रयास अच्छे हैं COVID-19 से लड़ने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी उस पर आपने, सरकार ने अपना सोचा नहीं और बिना सोचे हुए लॉकडाउन देश के ऊपर थोप दिया, और ये श्रृंखला अब 4थे नंबर तक पहुंच चुकी है। क्या स्थितियां मान के चल रहे हैं जो कांग्रेस इस लॉकडाउन की स्थितियों को? मैंने आपको आंकड़ा दे दिया, हमारी रेट ऑफ ग्रोथ है 6%, देश के पांच सबसे, विश्व के पांच सबसे बड़े देशों में आती है। हमारे यहाँ जो 10,000 के लगभग से आज 90,000 का फिगर पहुंचा है, वो पूरा लॉकडाउन में पहुंचा है। नंबर 3, मई 2 और मई 17 के बीच में 15 दिन होते हैं, इन दो के बीच में 42,000 से 92,000 हुआ है। ये मैं सिर्फ लॉकडाउन 3.0 की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि आपने जल्दबाजी में किया लॉकडाउन। लॉकडाउन का सैद्धांतिक रूप से ये विरोध नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप लॉकडाउन कर रहे थे 3 घंटे के नोटिस पे, उसके 4 दिन पहले अगर बैठ के आपने एक सोच लिया होता नीति, ये बात हो रही है। इसका जानबूझ के गलत चित्रण किया जा रहा है, विकृत किया जा रहा है कि हम लॉकडाउन के विरुद्ध हैं। लॉकडाउन करिए, लेकिन लॉकडाउन के पहले सोचिए, 4 दिन सोच के प्लान बनाइए कि लॉकडाउन के दौरान भी हम ये करते रहेंगे और लॉकडाउन के पहले चरण में ही हम इतना शुरू कर देंगे और फिस्कल पैकेज इतना देंगे। ये तीनों चीजें इसमें गायब है। लॉकडाउन के लिए बटन दबाया, 3 घंटे बाद घोषणा कर दी, बंद कर दिया, और सोचना शुरू किया उसके बाद। ट्रेन की सोच जिसके आधार पे माइग्रेंट जाएंगे 60 दिन बाद हुई है जी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सर बहुत नाराज हो रही थी राहुल गांधी के ऊपर, उन्होंने मजदूरों से बैठ के बात की, उनका समय बर्बाद किया, ऐसा कुछ बयान आया सर निकल के। देखिए निर्मला जी, मैं तो कहता हूँ गाली गलौज दें कांग्रेस को। मैं तो स्वागत कर, कांग्रेस का हर व्यक्ति सोनिया गांधी से राहुल गांधी, उनके गाली गलौज से अब आम तरह से यूज्ड टू हो गया, हमको कोई आपत्ति नहीं है। गाली के साथ साथ जनहित में कुछ काम कर दें तो हम तो ग्वालियों का स्वागत करते हैं। जितने गलतियां हैं आप कांग्रेस झोले में डाल दीजिए, उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ठोस प्रोग्राम इन श्रमिकों के लिए दे दीजिए, प्रवासी इन गरीबों के लिए दे दीजिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है आपकी निंदा का, आपकी भर्त्सना का, आपकी गालियों का। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि आप गाली भी दे रहे हैं और वहां भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बात अपनी तरफ से कि हम जो है कांग्रेस जो है विपक्ष के तौर पर गाली सुनने को भी तैयार है, लेकिन जनता के लिए काम करते सरकार इतना कहना। 100% राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने तो कई बार सुनी है, बिना जवाब की सुनी है और बात की है ठोस तथ्यों पर। वो गाली का जवाब नहीं देते हैं, वो निंदा का जवाब वो देते हैं, वो कहते हैं कि आप इस ठोस तथ्य में हमारा हमारे को काटिए कि आपने 20 लाख करोड़ नहीं 3 लाख करोड़ दिया, इस पे काटिए, गाली के साथ ही काटिए। अभिषेक मनु सिंघवी के लेकर भी जो है खास तौर से कुछ एक बात सर, अभी बड़े सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, लोगों का कहना है कि अभिषेक जी जो है मनी मन में कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार जो भारत सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बात बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से लगाव अलग ना दिखाई दे, इसलिए वो कहीं ना कहीं कुछ एक आलोचना वाले बयान जरूर देते हैं सरकार को लेकर। आप देखिए, ऐसा है, मैं एक ट्वीट जिसमें नाम मेरा नहीं है उसके आधार पे अगर सोशल मीडिया 1,000 प्रोग्राम करती है तो मैं समझता हूँ कि ये जर्नलिस्ट पत्रकार सोशल मीडिया के जबरदस्त अधिकार क्षेत्र का द्योतक है और मैं उस सामने नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं, फिर भी आप तो इसका बात आपका जवाब दे सकते हैं ना सर, क्या इसमें सच्चाई है? मैंने ये जवाब जिस दिन ही आया था उसके बाद ट्वीट करके 10 बार दे दिया, लेकिन हर बार जो मेरे से पूछेगा उसका अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं इसको बहुत बड़ी एक ठोस उसको मजबूती देता हूँ और मैं उस मजबूती देने के लिए तैयार नहीं। मेरी ट्वीट पढ़िए, उसी दिन के नेक्स्ट डे बाद की मेरे पार्टी की ट्वीट पढ़िए, आपको जवाब तब मिल गया है। और जब ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है तो वही लोग जिन्होंने ये चलाई है सोशल मीडिया में, उनको माफी मांगने की मैं आकांक्षा नहीं करता जी। मतलब एक एजेंडा तो तैयार किया जा रहा है अभिषेक मनु सिंह भी जो उनके बयानों को लेकर आपको लेकर।
अब एजेंडा को कहां तक कौन जवाब देगा? एजेंडा तो इस अधिकार क्षेत्र है, इस देश के लोकतंत्र का, हर तरह की बात हर प्रकार का लोग कह सकते हैं, और मैं समझता हूं एक प्रकार से मेरे को कॉम्प्लीमेंट है कि इतने मेरे चाहने वाले हैं। कभी बीमारी की बात कर लेते तो कभी पार्टी छोड़ के जाने की बात हो जाती है। मैंने कहा ना इतने चाहने वाले, तो अच्छी बात है एक प्रकार से कि मेरी मेरे वर्चस्व को मेरे वर्चस्व के आगे पहुंचा देते हैं। चलिए अभिषेक जी, चलते चलते एक आखिरी संदेश में उम्मीद करूंगा जनसत्या न्यूज पर आप देश की जनता के लिए सर, कोरोना महामारी से निपटने के लिए, और अगर सरकार से भी आप कुछ कहना चाहे जनसत्या न्यूज के प्लेटफॉर्म पर सर, तो एक संदेश मैं चाहता हूं सर। देखिए ये 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 व्यापक मुद्दा है, एक वाक्य में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप एक वाक्य में मुझे बाध्य करते हैं तो उसका जवाब है नंबर एक, सरकार बोलो कम दावे कम करो, ठोस काम बताओ सिर्फ, और जनता जनार्दन पे अपने ऊपर हौसला रखिए, सरकार पे नहीं, और ये हिम्मत रखिए, ये बुलंदी रखिए कि सरकार हर वाक्य को विश्लेषण करके उसके सामने खड़े होइए, निंदा करिए, तभी आपको आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंह जी, आपने जनसत्य न्यूज पर समय दिया और बहुत आपने बहुत एक आंकड़े के साथ में आपने जो जनता के सामने जो ये जो रिलीफ फंड का जो राहत पैकेज जो पहुंचाया है, इसके जो दावों का जो एक पोस्टमार्टम किया है, उम्मीद है कि जनता तक ये सारी स्थितियां वाकिफ होंगी, और जो स्थितियां सरकार के जो तमाम दावे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि जो 20 लाख का जो पैकेज है असल में ये 3 से 4 लाख करोड़ तक ही पहुंचता हुआ दिखाई देता है, तो इस पर सरकार को क्या गंभीर कदम उठाने होंगे, ये आवाज़ जो है यहाँ से जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्थितियाँ हैं वो जो COVID-19 यानी कि जो कोरोना महामारी है उसको लेकर अभी देश में जो हालात हैं वो बेहद गंभीर है, और ऐसी स्थिति में सरकार जो कदम उठा रही है वो दूरदर्शिता के साथ में सामने निकल के आएंगे, लेकिन जो हालात हैं वो फर्स्ट एड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, चाहे वो आर्थिक स्थितियों की बात की जाए या फिर सामाजिक और जो छोटे मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं, ग्रामीण परिवेश की जो स्थितियाँ हैं, जो श्रमिकों की स्थितियाँ हैं, उनके लिए बहुत चुनौती की जो स्थितियाँ देखी जा रही हैं, और वहाँ सरकार के जो कदम, जो भी सरकार कदम उठाएगी, ज़रूरत है कि उनको ऑक्सीजन की तरह से जो है लेना चाहिए, और प्रायोरिटी बेसिस पर लॉकडाउन चले जारी रहे, कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, उसका समर्थन है, लेकिन लॉकडाउन के साथ जो तैयारियां सरकार को करनी चाहिए उस पर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाई देता है। तो विशेष प्रस्तुति में इतना ही, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा जनसत्य न्यूज़ की हर अपडेट्स जानने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, आप फेसबुक पर आप जनसत्य न्यूज़ को फॉलो और लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।